पर महादेव की गूंज गूंजने लगी है अब शहर और नगरों में। कलाकार त्रिशूल बनाने में जुट चुके हैं। महाशिवरात्रि का पर्व के आते ही कलाकार त्रिशूल निर्माण में जुट जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार जो 3 पीढ़ियों से महादेव के लिए त्रिशूल का बनाने का काम करता है, ऐसा ही एक कलाकार बब्बू विश्वकर्मा निवासी डुंगरिया, जो लगभग 3 पीढ़ियों से त्रिशूल का निर्माण करते चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी, महाशिवरात्रि पर्व आने के 3 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। इनके बनाए त्रिशूल बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, महाराष्ट्र जिले व राज्यों में जाते हैं। बब्बू विश्वकर्मा का कहना पड़ता है कि उनके परिवार की जीविका का साधन है ये त्रिशूल, जो अपना काम साधना के साथ निभाते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि उनके द्वारा 500 किलोग्राम का सबसे विशाल त्रिशूल का निर्माण भी किया उन्होंने। साथ ही 1 वर्ष महादेव के मेले में लगभग 10 विशाल त्रिशूल का निर्माण करना पड़ता है। छोटे मोटे त्रिशूल लगभग 500 से 600 तक त्रिशूल का यह निर्माण कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने त्रिशूल निर्माण कार्य करने में अन्य समस्याओं का भी जिक्र किया है। अब क्या है सर जी, लगभग 100-150 त्रिशूल बनते हैं और जैसे ज्यादा मात्रा में बनाते हैं 200 त्रिशूल करीब लगभग बनते हैं। कितने वर्षों से बना रहे हैं आप ये त्रिशूल? सर जी ये मैं लगभग 12 साल हो गए मुझे, पहले पिताजी बनाया करते थे, अब पिताजी क्या बुजुर्ग हो गए हैं उसके हिसाब से अब मैं करता हूँ काम। अच्छा, महादेव मेला शुरू होने के पहले कितने दिन पहले से आप ये तैयारियां कर ये? सर जी मैं लगभग 4 महीने पहले से तैयारी करना चालू करता हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ऐसा चालू करते हैं, ये जनवरी फरवरी तक चलता है। बस इतने त्रिशूल आपने बनाए, सब ऑर्डर में रहते हैं? कुछ ऑर्डर के रहते हैं, कुछ ऐसी बनाता हूँ जो जैसे अचानक आ गया कोई उसके हिसाब से वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये बताइए आपने सबसे बड़ा त्रिशूल कितने किलो का बनाया? अभी मैंने पिछले बार बनाया था 38 फीट लंबा और जिसका मैंने चौड़ा बना था 10 फीट चौड़ा और वो 551 किलो का वजन था। अच्छा, आप इतने वर्षों से करते आए हैं तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती होगी? परेशानी इस टाइप की आती है जैसे कि बारिश आ गई, बारिश में कलर सूख नहीं पाता, ये सब गीले रहते कलर, उसके हिसाब से ये परेशानी आती है। कभी लोहा नहीं मिलता तो परासिया जाना पड़ता है लोहा लेने, छिंदवाड़ा जाना पड़ता है लोहा लेने। अच्छा, आप इतने त्रिशूल जैसा आपने तैयार किया है जी, क्या मेले के अवसर पे ये सब त्रिशूल चले जाते हैं? हाँ, मेले के समय भी जाते हैं, कुछ बचते तो रख देते हैं। शिव शिव।